चलिए जानते हैं शनिवार 11 मार्च का राशिफल आपके लिए क्या गुड लक लाता है। मेष राशि, यह दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। जॉब कर रहे जातकों को जॉब में नवीन उत्तरदायित्व मिल सकता है। आपके पास अपने ज्ञानार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। व्यवसाय कर रहे जातकों की बात करें तो यह दिन अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में रुकी हुई योजनाएं को दोबारा से शुरू करने में कामयाब रहेंगे। जो युवा पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, वह अपने पैतृक व्यवसाय में बदलाव कर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से अधिकारी प्रभावित होंगे। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। नेताओं से भी मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें उनके माता पिता उनकी सहायता करेंगे। संतान की उच्च शिक्षा के लिए माता पिता अपने परिचितों से बातचीत करेंगे। विदेशों से भी शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। जो कानूनी कार्य चल रहे थे, उनमें सफलता प्राप्त होगी। लक्की कलर पीला। लक्की नंबर 2। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। अपने जीवन साथी के परिवार वालों के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। यदि संभव हो तो हाथी को कुछ खिलाएं। काले और नीले रंग के कपड़े न पहने। सट्टेबाजी से दूर रहें। वृषभ राशि, यह दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में मनचाहा लाभ पाकर काफी खुश नजर आएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और व्यवसाय से संबंधित यात्रा पर भी जाने के योग है। यात्रा के दौरान नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। साख को चारों ओर फैलाने में कामयाब रहेंगे। अचानक से धन का आगमन हो सकता है। आप अपने लिए और परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी करेंगे, जिससे सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा। बिजनेस में नए प्रयोग करने से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में तरक्की के लिए आप काफी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। सीनियरों का सहयोग मिलेगा। आपको किसी के भी कहे में आकर किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनके द्वारा कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। छात्र पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। लक्की कलर सफेद। लक्की नंबर 1। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। अनावश्यक घर की रेनोवेशन न कराएं। किसी भी कानूनी दस्तावेज और अनुबंध पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा न करें। ऑफिस या घर में मंदिर का स्थान न बदलें। किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं। मिथुन राशि, यह दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी को कोई नया कार्य शुरू करा सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। भाग्य के सारे आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी अच्छी जगह घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। अपने प्रिय से दूर होने का डैक आपको सताता रहेगा। रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आप अपने प्रेमी के प्यार में डूबे हुए नजर आएंगे। जो आपके रुके हुए कार्य थे, वह भी आज किसी की सहायता से पूरे होंगे। व्यवसाय में भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे लाभ कमाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार की याद सता सकती है। घर से ऑनलाइन कर रहे जातकों को आज अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे या कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के योग है। माताजी का सानिध्य मिलेगा। घर से निकलने से पहले बड़े सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद ले तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। लक्की कलर नीला। लक्की नंबर 9। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। आर्टिफिशियल गोल्ड ना पहने, शुद्ध सोना पहने। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। चमड़े की कोई भी वस्तु न खरीदे और न ही इस्तेमाल करें। व्यर्थ के रिश्तों पर अपना समय बर्बाद न करें। कर्क राशि, यह दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार वालों के साथ आज का पूरा दिन व्यतीत करेंगे और यह सीखेंगे कि धन को कैसे संचय किया जाता है, जो आपके आने वाले समय में काफी काम आएगा। वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आपको कोई कार्य सौंपा जाएगा, जो आपको अवश्य पूरा करना होगा, नहीं तो वह नाराज हो सकते हैं। कोई बकाया धन मिलेगा और आपने कोई पहले निवेश किया हुआ है तो उसका भी पूरा फायदा मिलेगा।
आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्र आपके दिन को और खुशनुमा बनाएंगे। आपका प्रेमी या प्रेमिका बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सुनी हुई बात को सुनकर काफी दुखी होंगे। संयम बनाए रखें। गलतफहमी के चलते आप दोनों को बैठकर एक दूसरे को सुनना और समझना होगा। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। छात्र एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे। जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का कार्य करते हैं, आज उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो प्रयास कर रहे थे उसमें कामयाबी मिलेगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से आप काफी खुश नजर आएंगे। अपनी संतान को महसूस होगा। आप अपने मन में चल रही समस्याओं को अपने पिताजी के साथ साझा करेंगे। लक्की कलर गुलाबी। लक्की नंबर 7। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं। काले रंग के अंडरगारमेंट्स पहने। किसी शनि मंदिर जाकर बादाम का दान करें। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। अपने से बड़ों का सम्मान करें। सिंह राशि। यह दिन आपका बढ़िया रहेगा। व्यवसाय में किसी नवीन अनुभव से लाभ होगा। आय के नए स्रोत खुलने से आर्थिक परेशानी का हल निकलेगा। नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर व जूनियरों का सहयोग मिलेगा। जो लोग काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, अभी उन्हें और भटकना पड़ सकता है। अगर आपने कोई निवेश किया हुआ है तो उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। संतान के भविष्य के लिए धन का निवेश करने का निर्णय लेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अपने परिचितों से बातचीत करेंगे। विदेश से आपको शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन परिवार की किसी समस्या के कारण आप शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकाले तो बेहतर रहेगा। आज किसी भी व्यवसायिक योजना को टालना ठीक नहीं है। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय के साथ साथ और किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बनाएंगे। छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए खूब मेहनत करते हुए नजर आएंगे। गुरुजनों से भी सहायता लेंगे। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। आपको अपना मन पसंदीदा विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। लक्की कलर नारंगी। लक्की नंबर 6। अन्य साधनों से आय में वृद्धि होगी। आगे पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। अपने पार्टनर को सम्मान दें। नीले और काले रंग के कपड़े न पहने। नियमित रूप से किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं। हर महीने अपनी माता को कुछ उपहार अवश्य भेंट करें। कन्या राशि। यह दिन आपका सफलता से भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज का दिन आपका बढ़िया रहेगा। आपको अपनी नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। जीवन साथी को अच्छे कामयाबी मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल होगा। घर में हवन पूजा पाठ आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे। उनके साथ खूब मौज मस्ती करते हुए भी नजर आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आपके ऊपर अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिनसे आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। भाई बहनों में चल रहे अनबन समाप्त होगी। कुवारे लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्रों के द्वारा आय के काफी सारे अवसर प्राप्त होंगे। बिजनेस में नए नए अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद के द्वारा आपको धन लाभ प्राप्त होगा। सेहत में पहले से सुधार होगा। जो लोग राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नेताओं से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। सभाओं को भी संबोधित करने का मौका मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ होगी। लक्की कलर हरा। लक्की नंबर 4। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। नीले रंग के कपड़े न पहने। अपने सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर न करें। बाएं हाथ की रिंग फिंगर में शुद्ध सोने की अंगूठी पहने। यात्रा को टालने में ही भलाई है। आवारा कुत्तों को कुछ खिलाएं। तुला राशि। यह दिन आपका सुखद रहने वाला है। जॉब को लेकर प्रमोशन संभव है। आप अपने दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। अधिकारियों के द्वारा शाबाशी भी प्राप्त करेंगे। किसी के भी कहे में आकर कोई निवेश ना करें। आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। कारोबार में आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना है, तभी आप अपना काम करवाने में कामयाब रहेंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन होगा, जिससे आपको मेहमान की किस्मत से काफी सारे आय के अवसर प्राप्त होंगे। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करें।
अपने बिजी दिन में से अपने लिए कुछ समय निकालें और अपने अच्छे और बुरे व्यवहार के बारे में सोचें। माताजी का सानिध्य मिलेगा। माताजी को लेकर आप ननिहाल भी घूमने जा सकते हैं, जहां वे काफी खुश नजर आएंगे। मित्रों के द्वारा कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बनाएंगे, जहां काफी खर्च होगा। आप बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल व पिकनिक पर भी जाएंगे, जहां सभी खूब मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर आपका कोई धन रुक गया है तो वह भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। लक्की कलर भूरा। लक्की नंबर 1। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। गाय को रोटी खिलाएं। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा न करें। रोज मंदिर जाएं। पानी पीने के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। वृश्चिक राशि। यह दिन आपका बेहतर रहने वाला है। सेहत का ध्यान रखें। बदलते मौसम के कारण सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल होगी। परिवार का साथ मिलेगा। आपको ना चाहते हुए भी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जहां पर आपको अपने कीमती सामान की सुरक्षा करनी होगी। जीवन साथी के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, जहां प्यार भरी बातें करते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ आपके बेहतर रहेगी। बहन के विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए नजर आएंगे। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से काफी खुश नजर आएंगे। अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। विद्यार्थी आज कुछ नए विषयों में अपनी रुचि को जागरूक करेंगे। सायंकाल का समय आप अपने माता पिता के साथ व्यतीत करेंगे, जिससे अपने मन की बातों पर उनके मन की बातों को एक दूसरे से कह सके। मित्रों के साथ आप अपने सुख दुख बांटते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ आपकी खुशियों से भरी रहेगी। आप अपने लव पार्टनर को अपने परिवार वालों से भी मिलवा सकते हैं। लक्की कलर लाल। लक्की नंबर 8। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा न करें। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें। शुद्ध शाकाहारी बने और अल्कोहल का सेवन न करें। शुद्ध चांदी की चेन पहने। यदि संभव हो तो बंदरों को कुछ अवश्य ही खिलाएं। धनु राशि। यह दिन आपका खुशियों से भरा रहने वाला है। जॉब को लेकर सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे। परिवार में भी खुशियों भरा माहौल रहेगा। परिवार वालों के द्वारा आज आपको कोई सरप्राइज पार्टी मिलेगी। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आज तेज हो सकती है। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग है। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती बनेगी। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जिसके कारण आप अपने सभी कार्यों को पूरा करेंगे। जो लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें कामयाबी मिलेगी। पिताजी आपके व्यवसाय में कुछ धन खर्च करेंगे। बड़े सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद ले। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा, जिससे परिवार में खुशियां भरा माहौल होगा। आपका मित्र आपसे मिलने आपके घर आएगा, जिससे मिलकर आपको काफी अच्छा लगेगा। आप अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने की भी योजना बनाएंगे। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आज उन्हें और अधिक कार्य करने का मौका मिलेगा। समाज सेवकों के द्वारा उन्हें मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। लक्की कलर पीला। लक्की नंबर 5। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। झूठ न बोले। रोज पक्षियों को दाना डाले। समाज सेवा और दान पुण्य जैसे कार्यों में भाग ले। दाएं हाथ की चौथी अंगुली में शुद्ध सोने की अंगूठी पहने। भाई बहनों से बातचीत करें। मकर राशि। यह दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सभी लोग एक साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। घर में हवन पूजा पाठ आदि का आयोजन होगा। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में कुछ समस्याओं के लिए अपने मित्रों से सहायता लेंगे, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। जल्दी अपना मकान बनवाने या खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको जो पहले किया गया निवेश था उसका पूरा फायदा मिलेगा। आप कुछ समय धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और कुछ धन भी खर्च करेंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। माताजी का सानिध्य मिलेगा। ससुराल पक्ष का कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के संकेत है। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ यह दिन और दिनों की अपेक्षा बेहतर गुजरेगा। संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुवारे लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपको आय के काफी सारे अवसर प्राप्त होंगे। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे।
लक्की कलर सफेद। लक्की नंबर 3। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। दूसरों की सहायता करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, नीले और काले रंग के कपड़े न पहने, नमक का सेवन कम करें। कुंभ राशि, यह दिन आपका सुखद रहने वाला है। व्यवसाय में नवीन कार्य आरंभ होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उन्हें कोई अच्छी डील मिलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, जहां दोनों को एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आप अपने परिवार वालों से भी मिलवा सकते हैं, जिससे आपके विवाह में और देरी ना हो। आप बड़े सदस्यों से यह सीखेंगे कि धन को कैसे संचय किया जाता है, जिससे आप भविष्य में धन को खर्च कर सके। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मित्र की सहायता से अपने रुके हुए धन को प्राप्त करेंगे। आपको अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। परिवार में किसी की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के संकेत हैं। वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा धन लाभ होगा। छोटे व्यापारी व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी कर रहे जातक नौकरी के साथ व्यवसाय करने की योजना बनाएंगे, जिसमें उनके मित्र उनकी सहायता करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लक्की कलर नारंगी। लक्की नंबर 8। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। जाप करने वाली माला न पहने। ढोंगी बाबा और साधु संतों पर भरोसा न करें। अपने पास धार्मिक चित्र न रखें और अपने कमरे में सीमेंट और लोहे की कोई मूर्ति न लगाएं। अपने पार्टनर का सम्मान करें। मीन राशि, आज के दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ शुभ समाचार सुनने को प्राप्त होगा। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में तरक्की पाकर काफी खुश नजर आएंगे। पद में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन आगमन के संकेत है। परिवार में थोड़ा तनाव संभावित है। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाले मुश्किलों को हल करने में कारगर साबित होगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने के कारण माता पिता काफी खुश नजर आएंगे। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जो मकान प्लॉट को खरीदने की योजना बना रहे थे, उसमें कामयाबी मिलेगी। सेहत में पहले से सुधार होगा। प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह की सैर व योगा को शामिल करें तो बेहतर रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। संतान के उच्च भविष्य के लिए धन का निवेश करेंगे। विद्यार्थी कुछ विषयों में अपनी रुचि को जागरूक करेंगे, जिसमें गुरुजनों का भी साथ मिलेगा। सीनियर भी आपकी सहायता करेंगे। अवैध संबंधों से दूर रहें। किसी भी कार्य को केवल फायदे के लिए न करें, अन्यथा मानहानि हो सकती है। लक्की कलर नीला। लक्की नंबर 3। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के कुछ उपाय। कौवों को बिस्किट खिलाएं। अतिथियों का आदर सत्कार करें। पुत्र और भतीजे के साथ मधुर संबंध बनाएं। मजदूरों की सहायता करें।